नमस्कार, ओम साई राम। दर्शकों, मैं सुजय खंडेलवाल हर थर्सडे की तरह इस थर्सडे भी लेकर आया हूं आपके सामने एक बाबा के बहुत ही फेमस भक्त को, जिन्हें आप हमारे इस चैनल पर कई बार देख चुके हैं। पिछले कई बार पवार काका हमारे साथ में आए हैं एंड उन्होंने बाबा के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान हम सभी को दिया है। तो चलिए स्वागत करेंगे पवार काका का। ओम साई राम काका। ओम साई राम काका, यहाँ पर हमारे पास में जुड़े हैं साथ में। हम यहाँ कहाँ हैं मैं आपको सर्वप्रथम बताना चाहूंगा। हम ये शूट कर रहे हैं कोलकाता में। ये मंदिर देखिए, बाबा की जो प्रतिमा है पीछे, ये बाबा कितने ब्यूटीफुल यहाँ पर लग रहे हैं। एंड ये है कोलकाता का, साउथ कोलकाता का साईं समाज मंदिर, जो कि सबसे पहला मंदिर है कोलकाता का। तो इसकी सिग्निफिकेंस जो है वो काका हम सभी को बताएंगे। ये 1941 का बना हुआ पहला मंदिर कोलकाता का। तो काका, इस मंदिर का सिग्निफिकेंस थोड़ा सा भक्तों को प्लीज बताएं। ओम साई राम। कलकत्ता वासी और बंगाल वासी सभी साई भक्तों को पवार काका का नमस्कार। बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं आज, बहुत ही भाग्यवान समझ रहा हूं खुद को कि साई बाबा के बाद अगर मैं किसको मानता हूं या मानना चाहिए हर एक साई भक्त ने, वह है परम पूज्य H.H. नरसिंह स्वामी जी, जिन्होंने बाबा का भक्ति का प्रचार और प्रसार खासकर साउथ इंडिया में किया। उसके उपलक्ष में मैं इतने नवाजे हुए भक्ति से पूरे पूर ठूस ठूस कर जिनके व्यक्तित्व में भक्ति भरी हुई थी, ऐसे नरसिंह स्वामी महाराज इनके अध्यक्षता में, ही वाज़ द प्रेसिडेंट, ऑल इंडिया साई समाज का पहला साई सम्मेलन, साई भक्तों का सम्मेलन यहां कोलकाता में हुआ था। और ये 1941 में हुआ था और इसी जगह यही है वो उस वक्त ये मंदिर की स्थापना। भगवान साई बाबा स्वयं यहां आकर विराजे थे और उस उपलक्ष में यहां आज भी ऑल इंडिया साई समाज का ये मंदिर उसी के नाम से जाना जाता है। हमारे परम भाग्य है कि भक्ति की नींव, साई भक्ति की नींव, साई के बारे में पूरी दुनिया को जोर शोर से और अभिमान सहित सबको बताने वाले नरसिंह स्वामी महाराज, जिनके यहाँ चरण लगे हुए हैं और बाबा स्वयं यहाँ विराजमान हुए हैं, ऐसी जगह हमें आने का मौका मिला और क्या चाहिए जिंदगी में। दिस इज व्हाट वी वांट, यही हमें चाहिए। मैं सबको प्रार्थना करूंगा साउथ कोलकाता का ये जो मंदिर है, ये मंदिर एक अपनी आप ईसाई भक्ति की धारा में एक हिस्ट्री है, एक ऐतिहासिक ये क्या बोलते हैं, एक खजाना है, इतिहास, ये हमारी धरोहर है। और ये धरोहर में हमको आज आने को मौका मिला सुजय जी की वजह से, आज हमें यहाँ ये पवित्र क्षण प्राप्त हुए, हम तहे दिल से सबके आभारी हैं। ओम साई राम। ओम साई राम। तो भक्तों देखिए, बाबा की लीलाएं किस प्रकार से कैसे होती है। काका, कोलकाता में 3-4 दिन पहले ही प्रोग्राम बना है, काका कोलकाता है एंड मैंने सोचा भी नहीं था कि हम इस मंदिर में आएंगे और ये जो शूट हो रहा है ये कोई प्री प्लान कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ आए मैंने कहा काका चलिए भक्तों को कुछ इस मंदिर के बारे में बताया जाए आपके माध्यम से। तो देखिए ये शूट हो रहा है। तो भक्तों, 1941 में ये मंदिर बना हुआ और यहाँ पे नरसिम्हा स्वामी जी ने इसका यहाँ से प्रचार शुरू किया। तो मैं काका से अनुरोध करूँगा कि हम बाबा के बारे में तो बहुत जानते हैं, बहुत सुनते हैं, कुछ नरसिम्हा स्वामी जी के बारे में अगर काका हम सभी भक्तों को बताएं।
ओम शैला नरसिंह स्वामी महाराज साई भक्ति की धारा में एक ऐसा माइलस्टोन, ऐसा माइलस्टोन है जिनके बगैर साई भक्ति साई दरबार का इतिहास पूरा हो ही नहीं सकता। नरसिंह स्वामी महाराज उस वक्त के जाने माने वकील सॉलिसिटर, और ये इतनी पहुंचे हुए स्कॉलर थे कि इनका कोर्ट में डिबेट जो करते थे ना वो सुनने के लिए पूरा बार के बार चेंबर सब बार बार से भी वकील आके खड़े रहते थे। He was the first president of Salem शहर, और इतनी बड़ी प्रैक्टिस थी उस जमाने में, हजारों रुपए की प्रैक्टिस होती थी। जब ऑर्डिनरी आदमी महज 200-400 कमाता था उस वक्त, मैं ऑर्डिनरी आदमी मतलब क्लास वन ऑफिसर वगैरह, उस वक्त नरसिंह स्वामी महाराज के 30,000 से रुपए पर मंथ के ऊपर से प्रैक्टिस की होती। लेकिन हुआ ये कि स्वामी महाराज के घर में कुछ एक लक्ष्य चंडी या दुर्गा का कुछ एक यज्ञ और होम हवन वो अरेंज किया हुआ था। बड़े पहले से स्पिरिचुअल माइंड के आदमी थे और पॉलिटिकली भी बहुत स्मार्ट, बहुत ही आगे अग्रणी थे उस वक्त के पॉलिटिक्स में। उस वक्त के स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर है, यानी आज के एमपी है ये उस वक्त के। इतना ही नहीं, वो साइमन कमीशन के बारे में जो चर्चा हुई उसके लिए डिस्कस करने के लिए जेम्सफोर्ड जो कमीशन बैठा था उनके एक मेंबर ये थे, और इंग्लैंड में रानी के साथ बात करने के लिए गए थे नरसिंह स्वामी महाराज। लेकिन देखिए भगवान जब अपने पैरों में अपने पास अपने कदमों में खींच लेना चाहता है किसी आदमी को तो क्या करता है। एक इतनी ऊंचाई हासिल किया हुआ आदमी, वो जिस दिन ये उनके घर में समारोह था, उनके चार बच्चे थे उसमें से एक लड़का और एक लड़की, कुआ था उसमें बंगाई में, वो कुआ में वो मर गए। और अचानक उनको प्राप्त तो हुआ ज्ञान कि यार जिसको मैं अपना अपना समझता था, जो सब मेरा मेरा समझता था वो मेरा है ही नहीं। सो इट मीन्स माई लाइफ इज गवर्न बाई समबडी एल्स, नॉट बाई मी और नॉट बाई दिस प्रकृति। विरक्ति आ गई नरसिंह स्वामी महाराज को और घर से निकल गए। सब राजा की जैसा, जो एक एरिस्टोक्रेट की जैसा जिनका जिंदगी था सब। एंड और देखिए मैं क्यों ऑर्डिनरी नहीं बोला, राजगोपालाचारी और नरसिंह स्वामी महाराज एक ही बार काउंसिल के मेंबर थे, देवेन बाद में टुगेदर लेजिस्लेटिव बार में, एंड वहां से निकल पड़े, सब छोड़ दिया, निकल पड़े सतगुरु की खोज में। देयर इज सम पावर हु इज कंट्रोलिंग माय लाइफ एंड व्हाट एवर आई एम सीइंग दैट आई एम लिविंग इज नॉट माय लाइफ। ढूंढते रमणानंद महर्षि के आश्रम में गए, उन्होंने बोला बेटा आई एम नॉट योर डियर गुरु, नॉर्थ में कहीं बैठे हैं, आप चलते जाना आगे। वहां से वो खाड़े सिद्धेश्वर मंदिर आए, सिद्धेश्वर से चलते 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 नारायण महाराज बेट नारायण किडगांव वहां आ गए, इधर महाराष्ट्र में जो यवत के बाजू में है वहां आए नारायण बेट में नारायण महाराज के पास। वहां से वो उपासनी महाराज के पास आए साकुरी में, उनकी पूरी केसेस उस वक्त उनके बहुत केसेस लग गए थे, वो खैर वो डिटेल में नहीं जाना चाहते, वो पूरे केसेस राइट फ्रॉम कोलकाता टू पूना टू बॉम्बे हाईकोर्ट में उन्होंने वो जो पूरे जहाँ जगह केस थे उन्होंने लड़ा, और आखिर में 11 साल ढूंढते रह गए सदगुरु की खोज में, उनको अपना गुरु नहीं मिला कहीं। फिर उन्होंने सोचा कि चलो अपना ये बाद में, फिर से हम अपना मद्रास में जाएंगे, उनका लड़का उधर प्रैक्टिस कर रहा था वहाँ, भले वो दिन जाके रह जाएंगे। तो वापस निकले साकोरी जस्ट 5 किलोमीटर अवे ऑफ शिरडी, और वहां जब जाने के लिए निकले तो एक उनको एक मुसलमान आदमी मिला, बोले देखो महाराज अभी आप जा रहे हैं चितली की, चितली स्टेशन पर जाने के लिए निकले थे बीच में, साकोरी से चितली अबाउट 8-10 किलोमीटर है, तो बोले अब शिरडी होके जाइए दर्शन लीजिए फिर आगे जाइए। जब वो
शिरडी बोले यार वो तो बाबा तो जाके कितना दीप हो गए हैं, अब मुझे क्या मिलेंगे, वो चाहता हूँ मतलब कोई मतलब नहीं वहां जाके। बोले महाराज आया है तो एक बार दर्शन करके जाइए। तो वहां से वो गए शिरडी और जैसे बाबा की समाधि का दर्शन लिए, एक तेजोमय प्रकाश का एक बहुत बड़ा गोल समाधि से निकला और महाराज के ऊपर आके स्थिर हो गया और वहां उनको दिव्य ध्यान प्राप्त हो गया। और जो आज तक जिसको चाहिए था, उनको जिनका उनका एक अपना एक क्या बोलते अपना खुद का एक था कि नहीं सदगुरु सगुण साकार होना चाहिए, जो अपने को बातचीत कर सके, जो हमसे आदान प्रदान कर सके, ये उनकी अपनी, वो पूरा वह मिट गया। अब बाबा समाधि अवस्था में नहीं है, बाबा जीवित है और बाबा ने उनको जो देने का था वो सब आशीर्वाद दे दिया। वहां से नरसिंह स्वामी महाराज 6 साल बाद रहे और आज अपना ये जो क्रोनोलॉजी जो आरती गाई जाती है चारों की, कौन से बात कौन सी चाहिए, कौन से बात कौन सी चाहिए, वो सब उसका जो रचना है, उसकी जो व्यवस्था है, नरसिंह साहिब महाराज ने की है। वहाँ के वो जो पैंडल्स बाबा की भक्ति के लिए जो जो भी करना है वो कर किया था उन्होंने। 1936 में नरसिंह स्वामी महाराज ने बाबा को जिन जो भक्तों ने देखा है वो सब भक्तों को जाकर मिले। मराठी एक आदमी मतलब अवस्थी थे उनके पास, वो जो इंदौर के जज थे उनको साथ में लिया और उन्होंने सब लोगों की मुलाकात ली और इतना मराठी के बाद इतना इंग्लिश से जो लिटरेचर है वो नरसिंह स्वामी महाराज ने हम सब साई भक्तों को दिया है। साई बाबा डिवोटीज एक्सपीरियंसेस, साई वो साई बाबा चार्टर्ड सेंसेस, ऐसे बुक्स 3-4 वॉल्यूम थे उसके, अभी एक ही वॉल्यूम है उधर, लाइफ ऑफ साई बाबा, ए मस्ट रीड बुक। इसी से साई बाबा हमें समझेंगे समझने नहीं आएंगे, ऐसे ये जो भक्त है वो बाद में 1936 के बाद वो इधर गए अपने मैलापुर गए। मैलापुर में उन्होंने साई बाबा की मूर्ति की स्थापना की, अपने इसमें गले में हमेशा साई बाबा का फोटो रखते थे वो, और वो ऑल इंडिया साई समाज का मैलापुर का जो मंदिर है उसके बाद सब भारत भर में वो भ्रमण करते रहे हैं और साई बाबा की भक्ति का प्रचार और प्रसार करते रहे हैं। उसी का एक उसी श्रृंखला में ये मंदिर आज हम जो बैठे हैं वो मंदिर उसी श्रृंखला का एक है। नरसिंह स्वामी महाराज के अध्यक्ष के पहले प्रेरित होकर वो अध्यक्ष स्थान उन्होंने लिया था। ऑल इंडिया साई समाज का पहला जो साई भक्तों का सम्मेलन हुआ था वो कोलकाता में हुआ था, उसका प्रेसिडेंटशिप प्रेसिडेंट वो थे, अध्यक्षता उन्होंने स्वीकार कर ली थी और तब से वो ये जो जगह है ये पवित्र पावन जगह उसके पास ये है। ऐसे ये श्रेष्ठ दर्जा के नरसिंह स्वामी महाराज आज इनको ऐसी ऐसी अनुभूतियां बाबा ने दी है, ऐसी ऐसी अनुभूतियां दी है, वो उनका जरा लाइफ ऑफ साई बाबा ये जो बुक है उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। ऐसे श्रेष्ठ महान साई भक्तों को आदरांजलि अर्पण करते हुए मैं ये दो शब्द मेरे समाप्त करता हूँ यहाँ। ओम साई राम। ओम साई राम। देखिये भक्तों, ये इस मंदिर का सिग्निफिकेंस अभी पवार काका ने हम सभी को बताया। 1941 में ये बना हुआ मंदिर, इस मंदिर में हमने एक और वीडियो पहले भी शूट किया है जो कि जयंतो दास जी का है, कल काका से भी उनकी मुलाकात कराई थी मैंने। अच्छा वो छोड़िए, अब 1936 में नरसिम्हा स्वामी जी को बाबा का साक्षात्कार हुआ जब बाबा अपने शरीर में नहीं थे, तब साक्षात्कार मतलब क्या, वो अनुभूति हुई वहाँ शिरडी में उनको। जस्ट इमेजिन कि बाबा के को शरीर छोड़े हुए कितने वर्ष हुए होंगे, 5 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्ष, और उनका प्रचार शुरू कर दिया था नरसिम्हा स्वामी जी ने। तो पीछे में हमने एक और वीडियो कवर किया था जिसमें कि नरसिम्हा स्वामी जी के बारे में श्रीचंद जी ने हम सभी को बताया था, उनके गुरु जो है वो थे राधा कृष्ण स्वामी जी
जो कि नरसिम्हा स्वामी जी के गुरु थे। तो ये नरसिम्हा स्वामी जी के वो शिष्य, हाँ हाँ, राधा कृष्ण स्वामी जी के गुरु थे नरसिम्हा स्वामी जी। तो ये जो गुरु की जो प्रथा मतलब आ रही है, यू नो, इसका एक हम देखते हैं कि जो जीवित है उसे गुरु माना जाए, तो वो नरसिम्हा स्वामी जी ने उस वो जो भ्रम था उनका, वो बाबा ने ही तोड़ा, निकाल दिया कि मैं जीवित हूं, अगर तुम मानो तो मैं जीवित हूं, हर पल हूं, हर वक्त हूं, और ना मानो तो मैं यह जीवित अवस्था में भी कुछ नहीं हूं। तो देखिए भक्तों, ये गुरु जो होते हैं ना, वो मार्गदर्शन करते हैं। सच्चरिता में भी दिखाया गया है कि हम जंगलों में भटक जाते हैं, ये जो जीवन है हमारा, ये एक जंगल से कम नहीं है। यहाँ पर रोज जो माया के जाल हमारे इर्द गिर्द जो हमें घेर रखे हैं, उन माया के जालों से निकलने के लिए और आत्म अनुभूति होने के लिए हमें गुरु की जरूरत होती है। और हमारे परम गुरु श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज के ऊपर में हमारा विश्वास, उनकी टीचिंग्स के ऊपर में जे के माध्यम से जो हम सीख रहे हैं, उसे हम अगर अपने जीवन में थोड़ा सा भी अपना लें, तो जीवन बिल्कुल परिवर्तित हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। तो चलिए सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। चलिए आज के इसी के साथ में आज हम हमारा ये एपिसोड की समाप्ति करते हैं। ये इम्प्रॉम्प्टू शूट किया हुआ है, तो शायद वॉइस या वीडियो क्वालिटी में अगर कुछ त्रुटि रह गई हो तो मैं आप सभी से माफी चाहता हूँ। बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद और नमन, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ जुड़े रहने के लिए। काका यहाँ पर आए हैं हमारे बीच में, इसके लिए हम बहुत ही कृतज्ञ हैं उनके। थैंक यू। ओम साई राम। ओम साई राम।